भारत के लोग आलसी होते हैं और खास करके महिलाएं। ये सर्वे रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें बताया गया है कि पिछले 15 वर्षों में भारत के 2% और भी लोग इनएक्टिव हो चुके हैं अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के, और थोड़ा सा सुस्ती नजर आती है। ये पूरा सर्वे हुआ है और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता दें कि आज ये प्रकाशित हुआ है, WHO की रिपोर्ट है, जिसमें है कि इंडियन जो है वो फिजिकली रूप से चाइना, नेपाल और भूटान, बर्मा की तुलना में ज्यादा सुस्त होते हैं और काम कम करते हैं। तो ये जो आया है इसमें ये बताया गया है कि लगभग 34% भारतीय औसतन जो है वो इनएक्टिव हो गए हैं। 168 देशों पर ये सर्वे किया गया था, 168 कंट्री पर सर्वे था, 19 लाख लोगों पर सर्वे हुआ। भारत में 77,000 लोगों से ये सवाल पूछा गया और उसकी जीवन शैली को अध्ययन करने के बाद कहा गया कि 2001 में जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार भारत में स्थिति ठीक थी। वर्तमान में पुरुष 24.7% इनएक्टिव है, महिला 43.3% कम एक्टिव है, मैंने इनएक्टिव है, और सबसे ज्यादा आलसी लोग हैं कुवैत में, और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं उगांडा में। एक समय भारत की पूरी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर निर्भर होती थी, उस समय भारत के लोग ज्यादा एक्टिव होते थे, कार्यशील होते थे, लेकिन वर्तमान समय में भारत के लोग कार्य करना नहीं चाहते और वो अपना जीवन शैली को इस प्रकार बना लिए हैं कि उन्हें 35 से 40 वर्ष के दौरान बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारी का अटैक होने का चांस होता है। डायबिटीज आज भारत में सबसे अधिक डायबिटीज के पेशेंट हैं। इसका कारण है जीवन शैली का बदलाव होना, और उससे भी महत्वपूर्ण कारण है तनावग्रस्त होना, यानी कि जब लोग टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो उनके अंदर तनाव के चलते इंसुलिन नामक हार्मोन नहीं बनता है, और यही कारण है कि धीरे धीरे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और ये डायबिटीज के लक्षण हो जाते हैं। इसके बाद सुस्ती आ जाती है और धीरे धीरे लोग फैटी होने लगते हैं। ये दो प्रकार से भारत में दिखता है कि पहले लोग मोटे हो जाते हैं और फिर बाद में अचानक से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाने से वो कमजोर होने लगते हैं। WHO ने अपने सर्वे में ये कहा है कि भारत के लोग कसरत और योगा करने में ध्यान नहीं देते। हालांकि भारत के अगुवाई में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित कर दिया गया है, लेकिन दूसरे देश भारत से सीख लेकर जहां अपने दैनिक दिनचर्या में योगा को शामिल कर लिए हैं, वहीं दूसरी ओर ये चीजें भारत के लोग नहीं कर पाए हैं। वहीं स्कूल के बच्चों में भी ये आदत घटती जा रही है और उनके ऊपर प्रोजेक्ट वर्क और स्कूली वर्क और साथ में होमवर्क का इतना अधिक प्रेशर है कि वो बच्चे सिर्फ बुकीस हो जा रहे हैं, ना कि प्रैक्टिकल जीवन में आ रहे हैं। साथ ही WHO ने कहा है कि भारत के लोग शारीरिक रूप से भी कमजोर होते जा रहे हैं और 40 से 50 वर्ष की आयु में हर व्यक्ति को 2 से 3 बीमारी हो जाती है। लगभग 1% लोग ही ऐसे हैं जो इससे वो निजात मिलता है, यानी कि इससे वो बचे रहते हैं। अधिकांश लोगों को ये बीमारी हो ही जाती है, जाहिर सी चीज है। इसके बाद भारत में प्रतिक्रिया चल रहा है, लोगों का मानना है कि स्कूल में वर्क लोड कम कराया जाए और लोगों का जो जीवन स्तर है उसके जीवन शैली का तरीका को बदलना चाहिए। लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि वो उतना ही पैसा कमाए जिससे उनको संतुष्टि हो जाएगी, तो निश्चित रूप से उनका टेंशन कम हो जाएगा। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर लोग कोई स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें, गेम खेलें, तो उसकी पूरी फोकस गेम पर होती है, जिसके चलते उसका टेंशन कम होगा और भारत के लोग भी एक्टिव की श्रेणी में आ जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप से थोड़ा दूर रह करके जुड़ना है, क्योंकि इसके चलते ही इनएक्टिव चीजें ज्यादा हो रही है और भारत में इस प्रकार से संस्कृति बदल गई है कि हैप्पी मदर्स डे, फादर्स डे और टीचर्स डे फेसबुक पर भेज देना है, व्हाट्सएप पर भेज देना है, लेकिन जो मिलने का सिलसिला होता था वो पूरा रुक चुका है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।